अगर आप भी हैं बिहारी, करना चाहते हैं रेलवे नौकरी सरकार, तो अब कर लीजिए तैयारी, क्योंकि अब नौकरी की जगह लाठी की है बारी। ये घटना पिछले दिनों पटना स्थित राजेंद्र नगर टर्मिनल की है, जहां आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से के आए परिणाम के ऊपर विरोध प्रदर्शन करते हुए जो स्कैम हुआ है, जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम रिजल्ट में जो स्कैम हुआ है, उसके लिए विरोध प्रदर्शन करने गए कुछ छात्रों के ऊपर पुलिस ने उग्र रूप में पेश आई है और उनके ऊपर लाठी डंडे की बरसात की है। जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे कि पुलिस जो है वो उनके ऊपर लाठी डंडे के प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन छात्र इस बात पे अभी भी अड़े हुए हैं कि वो अपना जान दे देंगे जब तक उनको इंसाफ न मिल जाए। वो लगातार ट्रेन को रोक रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मी सी दिखाई दे रही है। पप्पू यादव समर्थन करते नजर आ रहे हैं बच्चों का, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी उनको पूरा समर्थन अपने तरफ से दे रहे हैं और सरकार को यह धमकी भी दे रहे हैं कि अपनी तानाशाही बंद करिए, नहीं तो एक दिन युवा जो है, जो सबसे बड़ा अभी एक ऑर्गेनाइजेशन कहे, एक संगठन कहे, जो युवा की है, वो जब अपने उग्र रूप में आ जाएगा तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार को इस पे गंभीरता से संज्ञान लेना होगा और उनके खिलाफ हुए जो अत्याचार है, जो आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में हुए स्कैम है, उसके लिए उनको गंभीरता से इस पे संज्ञान लेते हुए एक आदेश पारित करना होगा, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए बच्चे चार साल अपना सभी कुछ छोड़ करके, अपनी दुनिया त्याग करके जिस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या मिले, तो उनको नौकरी मिले, उनको रोटी मिले, उनको रोजी रोटी मिले। ये तानाशाह का रूप आपको देखने को मिलेगा जब आप ये वीडियो देखेंगे, जिसमें बच्चों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है, क्रूर रूप से लाठी। उस क्रूरता का कोई अंत नहीं है, जिस क्रूरता से उस बच्चे के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है, और बच्चा बार बार कह रहा है कि मैं कुछ नहीं किया हूं। क्या यही इसीलिए वो अपना पूरा जिंदगी त्याग किया था, पढ़ाई किया था, अब इतनी मेहनत की थी, दिन रात एक करके अपना घर द्वार सब त्याग करके जो पढ़ाई किया था, इसीलिए किया था कि आपका लाठी खा सके और अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज न उठाए। आप आवाज को दबा नहीं सकते हैं, आपको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और इसके लिए बच्चों को इंसाफ दिलाना होगा। ये फाइनल पोस्ट मांग करती है। तो ऐसे ही और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो उस पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, मैं इस पे लगातार अपडेट आपको दिखाता रहूंगा। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।